सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज समय और कुदरत जरूर करती है। आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का और ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। आज का पंचांग 20 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि, रात्रि 10:41 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र दोपहर 2:04 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:15 से 10:50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर रात्रि 8:51 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। 20 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करना आपकी आर्थिक स्थिति को आज सुधार सकता है और आपको अपनी जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम बना सकता है। अपने करियर को बढ़ावा देने के लिए आपको अपने क्षमताओं और प्रौद्योगिकी में सुधार करने का प्रयास आज करना चाहिए। आपको अपने क्षेत्र में नए आधारों पर काम करना चाहिए ताकि आप बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें। आर्थिक आवक को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका व्यापार को स्थापना करने का हो सकता है। व्यापार करने के लिए आपको अच्छे बिजनेस प्लान, मार्केटिंग रणनीति और समर्थन कौशल चाहिए। आपको बाजार में अपने उत्पादों या सेवाओं की अधिकतम पहुंच के लिए एक अधिक मार्केटिंग कैंपेन चलाना चाहिए। पैसों को सही स्थान पर निवेश करना भी आपकी आर्थिक आवक को बढ़ा सकता है। निवेश के माध्यम से आप अपनी पैसों को दोबारा दुगना या तीन गुना कर सकते हैं। आपको निवेश के लिए विभिन्न विकल्पों की जांच करनी चाहिए, जैसे कि विशेष बाजार, निवेश धन या अचल संपत्ति। अनुकूल समय भी है, समय का सही उपयोग करना आपकी योग्यता पर भी निर्भर करता है। इस तरह की अचानक मिलने वाले मौके आपके जीवन में नया आयाम ला सकता है और आपको नई संभावनाओं का और आपके लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। अगर आपको आज किसी ऐसी व्यक्ति से मुलाकात हो रही है जिससे आपकी किसी समस्या का समाधान मिल सकता है, तो यह आपके लिए एक वित्तीय मौका है। उनकी सलाह और मार्गदर्शन से आप नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। पढ़ाई में भी निकालना आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान कर सकती है। पढ़ने से आप नई विचारधारा प्राप्त कर सकते हैं, नई विशेषज्ञता विकसित कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी सोच की क्षमता बढ़ेगी और आपको कुछ नई सीखने को भी मिलेगी। सावधानियाँ, विवादों से बचने के लिए आपको अक्सर बेवजह किसी के संपर्क से दूर रहने की सलाह दी जाती है। आपको अपने आत्मसमर्थन और स्वास्थ्य के लिए समर्पित रहने के अवसर हैं। इस तरह की स्थितियों में आप संतुलित और सकारात्मक रहने का प्रयास जरूर करें ताकि आप अपने आप को स्थिर और स्वस्थ रख सकें। छोटी मोटी बातों के लिए तनाव लेने की बजाय आप नज़रअंदाज उसे करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आज परिवार के साथ आप कुछ बातें साझा करें आपसे प्रभावित होने के लिए तैयार हैं, जो आपसे प्रभावित होने के लिए तैयार हैं। बिना किसी शर्त प्रेम करना और प्रेम पाना भी इस दुनिया में सबसे बड़ी वास्तविकता है। आपको आज आपका रोमांटिक साथी भी जरूर मिल सकता है। किसी भी तरह का मेल जोल आनंद प्रदान करेगा। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय थोड़ा कुछ बदलती है।
लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देती है। अगर आप जीवन साथी खोज रहे हैं तो आपकी खोज अब खत्म होगी। बात करते हैं करियर की। धन संबंधी सामान्य आभूषण आज आपको आकर्षित कर रहे हैं, इन्हें पाने के लिए मेहनत करें और लालच से बचें। सहकर्मियों या पड़ोसियों की समस्याएं सुलझाने में अपने परिवार को नजरअंदाज न करें। स्वयं के लिए समय निकाले बिना शर्त का प्यार वास्तविक प्यार है, यह जानकर आज आप नए रिश्तों में बंधने के लिए भी तैयार हैं। भावुक और व्यावसायिक संपर्क आपको आनंद देते हैं, लोग भी कुछ उम्मीद रखते हैं, उम्मीद है कि आप उन पर खरी उतरेंगे। जीवन में सबसे बड़ी खुशी वो करना है जो लोग समझते हैं कि आप नहीं कर सकते। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य के लिए आराम और व्यायाम दोनों ही महत्वपूर्ण है। दिनचर्या में इन दोनों को शामिल करना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। आराम का महत्व अपने आप में ही है। पर्याप्त आराम से नींद लेना, स्थगित विश्राम करना और दिन भर के कार्यों से आराम लेना आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। आज का उपाय, आज जब गरीबों को काली उड़द की दाल का दान करें शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।